नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका के टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा पकड़ी गई 12 धान से भरी गाड़ियों को छोड़ दिया गया है। मौके पर फाजिलका के डीएसपी जसवीर सिंह पन्नू पहुंचे। इसके साथ ही जिला मंडी अधिकारी जगरूप सिंह भी यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठक करके इन गाड़ियों को यहाँ से छुड़वा दिया गया है। इन्हें वापिस व्यापारी के यहाँ ले जाने की बात कही गई है। पंजाब में यह माल नहीं उतरेगा, ऐसा किसानों द्वारा कहा गया, जिसके बाद इन गाड़ियों को यहां से रवानगी करने को कहा गया है। फाजिलका के थे कलंदर टोल प्लाजा का यह दृश्य है, जहां से आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। सर मेरा नाम राकेश कंबोज, पिंड लादू का जी। राकेश जी, ये जो टोल प्लाजा से ट्रक तुसी पकड़े सी कुछ दिन पहला, की फैसला होया जी इन बारे? ये कल साडे किसान जथेबंदियां दी एक मीटिंग हुई सी, ओदे विच ये फैसला लिया कि ये जो बाहरली स्टेट तो ट्रक आए ने, ये गैर कानून आए ने, जो कि इन्हां दे कोल कोई किसी तरह की कोई जो राइट अपनी हैगी बिल्टी नहीं है। ये साडा फैसला होया कि इन्हां नूं वापस ये जिथों आए ने उत्थे इन्हों भेजा जाएगा। एक विच इन्हां दे परमल जो झोना है जी, वो ट्रक आया सी, वो साढ़े प्रशासन वाले लै गए ने, उन्हां ते जो भी बनती कार्रवाई वो की जाएगी जी। कौन कौन इत्थे अधिकारी पहुंचे सी अज? इत्थे अज साढ़े एक डीएसपी साहब आए सी, सरदार जसवीर सिंह पुन्ना जी, नाल उन्हां दे मार्केट कमेटी तो अधिकारी पहुंचे। हुण तुहाडी की मंग है जी, की डिमांड है? जिहड़े ट्रक बाहरों आ रहे ने, जिवें परमल दा वी एक विच आया, एमएसपी तो घट रेट दा आया सी, हाँ जी, तो हुण की डिमांड करते हो तुसीं भी सरकार तो, भी जिहड़े दूसरे स्टेटा तो आ रहे उन्हूं लैके की कहना चाहोगे? साडी सरकार अगे ये मंग है जी, जिहड़े बाहरलियां स्टेटा तो झोना आ रहा है, चाहे वह परमल है, चाहे 1509 है, चाहे 1121 है, वह पंजाब स्टेट दे विच ना आउण, उन्हां ते पाबंदी लाई जाए। जो भी बार्डर हैगे ने पंजाब हरियाणे दे, चाहे राजस्थान दे, उन्हां ते प्रशासन अपने जो भी मुलाजम ने उन्हां ते खड़े करे, तां कि बाहरली स्टेट का झोना जो पंजाब विच एंटर ना हो सके। राजविंदर जी की कहोगे जिहड़ा ये तुसीं ट्रक पकड़े जिहनूं लै के जी? ये जी साढ़े को 6 दिन हो गए ट्रक आए, जिवें जिवें चैक करके जिहड़ा पंजाब दा जी छड़ के गए, बाहरों स्टेटा तो जिहड़े ट्रक आए सी वो असीं इत्थे रोकी गए, वो रोकी गए जी। वो ट्रकों चों एक ट्रक तो निकलिया परमल, तो 12 ट्रक सी 1509 दे, वो असीं बार्डर पार करके वापस भेजे। अच्छा, ये तुहानूं विश्वास है जी वापस चले जाणगे? बिल्कुल जी विश्वास है, प्रशासन ने भी दवाया सानूं, पुलिस भी कहती भी अभी नाल चलेंगे, ना चलूंगा महकमा नाल, आर सी कापियां ना रखिया, वो जो उ एंटर होंगे जाऊ जी भी इतने पकड़े से, जो चैक करी गए जो पंजाब का छड़ी गए हैं, दूजे जो बहरले सूबे तो आए हैं उन्होंने रोकी गए हैं जी। च की 12 ट्रक है 1509 के, 13वां ट्रक से परमल का, वो उत्ते परचा कट्टा जाऊगा सदर थाने जी, दूजे 12 जिहड़े कि वापस भेजने बार्डर तो बाहर, महकमे की रहनवाई है, मोहर लग के महकमा सारा नाल है साडे। की अगला संघर्ष की रहेगा जी हुण? की यही बेनती करते हैं बाहरले सूबे छेलर वालों भी चाहिए कि बाहरले सूबे तो झोना लिया बंद कर, यूनियन साडिया ने यही मीटिंग भी जिहड़ा असी उत्थे नाके लावांगे, ये असी नहीं आउण देना। किन्ने दिन हो गए जी जिहड़ा तुसीं इन्हां नूं इत्थे रख्या सी? 6 दिन हो गए जी। दो तीन दिन तो ट्रक रोके हुए जो बाहर झोना लेके आए जी, वो ट्रक हमें फैसला होया कि वापस जान गए। किसान यूनियन ने लिया अपने वापसी की जिम्मेवारी किले जिम्मे किसान यूनियन ने अपने तौर पर लेके जा रहे ना लो जा रहे हो ते कोई कागज भी कानूनी कार्रवाई के तौर पर कागज भी तैयार करके दिते ने उन्होंने वापसी जाने सादे मतलब नहीं कुछ नहीं है ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ।